दोस्तों सभी को नमस्कार, मैं हूं सुभाष। आप देख रहे हैं YouTube का प्राचीन कहानियां चैनल को और मैं फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ में। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा रुपेली डोरी के बारे में। एक ऐसी वायर है जो हमारे शरीर से कनेक्ट रहती है और इसका क्या वर्क रहता है या ये कैसे काम करती है, उसका रिलेशन हमारी बॉडी से कैसे है, आज मैं इस बारे में सब कुछ डिस्कस करूँगा। फ्रेंड्स, हो सकता है कि बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं जो स्पिरिचुअल साइंस में बिलीव ना करते हों या उनको इस बारे में ना पता हो, हो सकता है ये वीडियो उनको एक अंधविश्वास की तरह लगेगी। सो फ्रेंड्स, मैं उनसे गुजारिश करूँगा, प्लीज़ अगर आपको ये अंधविश्वास की तरह प्रतीक होता है तो प्लीज़ स्पिरिचुअल साइंस को पढ़ने की कोशिश करें ताकि उससे आपको जो हकीकत है उसके बारे में पता चले और आपको पता चले कि जो हम जीवन जी रहे हैं इसके आगे भी या इसके परे भी कोई ज़िंदगी है या जीवन है। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए, वीडियो पसंद ना आए तो डिसलाइक का बटन दबाइए। कोई कंटेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो प्लीज़ चैनल को के जो कमेंट सेक्शन बॉक्स है उसमें आप लिख दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि एक लास्ट वीडियो था उसमें एक फ्रेंड्स ने बताया था कि जो मैं हूँ अंधविश्वास फैला रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। सो फ्रेंड्स, मैं उनसे बस यही गुजारिश करूँगा फिर से कि प्लीज़ स्पिरिचुअल साइंस के बारे में कुछ पढ़ना और लिखना स्टार्ट करें। सो फ्रेंड्स, चलिए आप वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, रुपेली डोरी एक सिल्वर कलर की वायर की तरह होती है और ये हमारी नाभि से कनेक्ट होती है। और फ्रेंड, इसका जो मेन वर्क है वो है हमारे जो मृत प्रियजन है जो इस लोक से अपनी यात्रा पूरी करके जा चुके हैं, उनसे प्रतिदिन हमारी मुलाकात कराना। फ्रेंड्स, ये कैसे वर्क करती है और वो उनसे हम मुलाकात कैसे करते हैं इसके बारे में मैं आगे बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, ये वर्क करती है हमारी नाभि से कनेक्ट होकर। आपने नोटिस किया होगा जब हम गहरी नींद में होते हैं। फ्रेंड्स, कभी आपने आपको पाया होगा आप किसी जंगल में भाग रहे हैं, कभी आप आसमान में उड़ रहे हैं, कभी आप कहीं हैं, कभी कहीं हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्लीज़ ट्रस्ट मी, ये सब कुछ हकीकत में होता है। फ्रेंड्स, डे बाय डे हम अपने मृत प्रियजनों से बात करते हैं लेकिन हमारे अवचेतन मन की वजह से हम इसको याद नहीं रख पाते। कुछ लोग जो 1 लाख में से 5 लोग इसको याद रख पाते हैं और इसको डिकोड भी कर लेते हैं, लेकिन हम नॉर्मल इंसानों में ये क्षमता नहीं होती। ये क्षमता सिर्फ उन्हीं में होती है फ्रेंड्स जो एक मेडिटेशन करते हैं और या जिनको स्पिरिचुअल जो साइंस है उसकी अच्छी खासी नॉलेज होती है। सो फ्रेंड्स, अब मैं बात करूंगा कि जो मृत प्रियजन है उनसे हम कैसे बात करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें एक पेच है यानी कि एक कंडीशन रहती है। फ्रेंड्स, हम उनसे तभी बात कर सकते हैं क्योंकि अगर उनकी भी करुणा, जो करुणा हमसे हमारी उनसे बात करने की है, अगर उनकी भी हमसे है। फ्रेंड्स, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से होता है कि जो हमारे मृत प्रियजन है कई बार वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने के बाद हमसे हमारा नाता तोड़ देते हैं और वो अपने आगे की यात्रा को शुरुआत करते हैं। लेकिन इसमें कुछ या मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं, चाहे मेरे माता पिता हों, चाहे मेरे भाई बहन हो, चाहे मेरी वाइफ हो, चाहे हस्बैंड हो, कोई भी रिलेशन रहने दो, वो ऊपर जाने के बावजूद भी अपनी यात्रा के साथ साथ हमारा जो यहाँ का रिलेशन है उसको बनाए रखने के लिए कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर उनके अंदर भी वही करुणा का भाव हमारे प्रति है जो करुणा का भाव हमारा उनके प्रति है, सो फ्रेंड्स डेफिनेटली वो हमसे बात करते हैं, इस बात को आप मान लीजिए। लेकिन फ्रेंड्स, बस विडम्बना यही है कि हम याद नहीं रख पाते। सो फ्रेंड, इस केस में वो बताते हैं कि अगर कोई भी आपसे, अपना प्रियजन आपसे दूर चला गया है तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ्रेंड्स वो आपसे डेली मीट करते हैं, डेली बात करते हैं, डेली मुलाकात करते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। और फ्रेंड्स, आपको मैं एक मज़े की बात बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि हम रात को एक गहरी नींद लेने के बाद सुबह उठते हैं तो आपने फील किया होगा कि आप कितने एनर्जेटिक रहते हैं, आपके अंदर एक इतनी भरपूर मात्रा में ऊर्जा रहती है कि आप जो भी दिन भर की थकान और फ्रेंड्स इतनी सारी टेंशनें, ये वो ये यहाँ के फ्रस्ट्रेशन, वहाँ के प्रॉब्लम्स, कल को ये करना वो करना, सब कुछ भूल जाते हैं हम और हमारा फोकस्ड एक सीमित रहता है और अपने जो डे बाई डे के जो काम रहते हैं उन पर रहता है। सो फ्रेंड्स, कहने का मेरा मतलब है जब हम उनसे मुलाकात करते हैं अपने प्रियजनों से तो हमें आशीर्वाद देते हैं, एक ऑक्सीजन के रूप में हमें ऊर्जा देते हैं जिस ऊर्जा के माध्यम से हम आगे की जो हमारे पृथ्वी पर यात्रा है उसको डे बाय डे करने में हमारी मदद मिलती है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ पर वो सब जानते हैं कि इतनी फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है, इतनी बुरी बुरी आत्माएँ यहाँ पर हैं कि हमें जीने नहीं देंगी। सो फ्रेंड्स, उनसे लड़ने के लिए, उनसे पार पाने के लिए हमारे जो मृत प्रियजन होते हैं हमें डेली आशीर्वाद देते हैं, डेली डोज देते हैं ताकि हम आगे की अपनी लाइफ जी सकें। और उनका लास्ट संदेश यही है कि फ्रेंड्स, कभी भी अगर आपका कोई प्रियजन यहाँ से चला गया हो, अपनी यात्रा पूरी करके जा चुका हो, तो कभी भी उदास मत होइए।
हूँ।